ये पोस्टर चिपकाकर अब कैसे गुजारा कर सकते हैं? कोई और काम करते हैं। क्यों बेटा, स्कूल में दोस्तों से कहने में शर्म आती है क्या? ये तो अपना काम है। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब? इंटरनेट, फेसबुक और व्हाट्सएप के जमाने में ये पोस्टर से हमारा काम नहीं चलेगा पिताजी। बेटा, इंडिया में जनसंख्या कितनी है तुम्हें पता है? उसमें अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अच्छा? पता है, सिर्फ 34% लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और जब तक हमारे देश में गरीबी रहेगी तब तक ये नेता रहेंगे, और जब तक ये नेता रहेंगे तब तक ये पोस्टर चिपकाने का काम चलता ही रहेगा मेरे बेटे, समझे? और जैसे कि तुम कह रहे थे, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले भी फिल्म का पोस्टर तो जरूर देखते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। और 25 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब तुम बड़े हो जाओगे ये सब काम मत करना। मैं कोशिश करूँगा। और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाना। काम शुरू करें। बेटा, गोंद का डिब्बा देना जरा, मैं इधर से शुरू करता हूँ। बेटा वो कौन है? उसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ। हमारे इलाके में नया आदमी लग रहा है। वो क्या पूछ रहा था तुमसे? उसका गोंद का डब्बा नीचे गिर गया, थोड़ा गोंद मांग रहा है। तो उसे इस काम का तजुर्बा नहीं है। मैं उसे गोंद दे दूं क्या? तुम जाकर पोस्टर चिपकाओ ना, वो अपना काम खुद कर लेगा। अगर वो ये काम कर लेगा ना तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, फिर क्या हम पत्थर खाएंगे? थोड़ा दे दीजिए ना। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही करो। इसे मदद करने की पड़ी है। अरे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? ये जाकर वहाँ चिपकाओ। अच्छा है, चला गया, मैं गोंद लेकर आता हूँ, हम उधर जाके चिपकाते हैं। आज के जमाने में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। ये क्या, डिप्टी मैनेजर और अकाउंटेंट गीता का नाजायज संबंध? इसके लिए पोस्टर चाहिए क्या? एक अनजान आदमी आकर रात को पोस्टर लगा रहा है, और वो भी काफी पोस्टर। इससे तो दूसरों की नौकरी चली जाएगी। पिताजी, ये आपने क्या किया? ये हमारी जगह है, यहाँ सिर्फ हम पोस्टर चिपकाते हैं, और वैसे भी वो बहुत घटिया पोस्टर था। हम भी तो गंदी फिल्मों के पोस्टर्स चिपकाते हैं। वो हमारा काम है। तो क्या वो उसका काम नहीं था? उसने भी तो किसी से पैसे लिए होंगे। हो सकता है आज का कमाया पैसा कल के लिए उसे जरूरत पड़े। अब आप भी मत चिपकाओ, नालायक। ये चिपकाने से हमारा गुजारा होता है। तुम पहले अपना काम करो, उसके बाद दूसरों की मदद करो। तुमको 4 टाइम पेट भर के खाना चाहिए ना, पता है वो कहाँ से आता है? चलो 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 चलो, आराम से चलना। आज तो बहुत रंगीन दिख रही हो। सीट खा ली है। आ रुको रुको, पब्लिक चढ़ रही है, मेरे कहने के बाद ही गाड़ी निकलना। आ चलो चलो जल्दी, आ चलो राइट। ये बोरी जैसी जींस पहनकर कैसे चलती है? कैसा कैसा फैशन आ गया है। हर एक जनरेशन में नया फैशन होता है। 60 साल के आदमी की सोच में और 20 साल की लड़की की सोच में अंतर तो होता है ना। टीनेजर से आपको क्या लेना देना, दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बस इतना ध्यान में रखिए। ये विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर है। जब मैनेजमेंट ने कॉलेज में कैमरा लगाने का फैसला किया था तो इसने विरोध किया था। ये अब्दुल कलाम की शिष्या है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही जोश। ये जोश नहीं है, समझदारी है। हाँ सुन लिया। आज कौन सी क्लासेस है तुम्हें याद है? फर्स्ट मैथ्स और फिजिक्स और फिर बायोलॉजी की। टिकट टिकट टिकट। कंडक्टर आ गया। टिकट। हाँ तुम दोनों तो स्टूडेंट्स हो ना, ठीक है। जू कोली वाड़ा। हाँ, जिसको उतरना है उतर जाइए। चलो जू कोली वाड़ा आ गया। अब इस बच्चे को आज्ञा दीजिए,
ठीक है? चलो चलो पापा, जल्दी चलो। अरे हाँ हाँ भाई, आ रहा हूँ। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चलो उतरो। हाँ चलो, आ जाओ, आप भी अंदर आ जाओ। चलो ना भाई, जल्दी आ, चलो निकलो। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ रुको रुको रुको, हाँ चढ़ो चढ़ो चढ़ो, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है। अरे उतरो ना भाई, फटाफट। जाने दे जाने दे जाने दे। हाँ जल्दी 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 चलो। क्या टिकट टिकट बैठ गया क्या सब? चलो जल्दी चलो, आओ भाई साहब बैठिए। हाँ चलो चलो चलो, टिकट टिकट। कभी कभी ये प्रेस का मालिक मदद करता है, इसीलिए मैं इधर आया, मगर काम नहीं हुआ। कहता है सिर्फ चेक रखकर कैश नहीं देगा। चलो कहीं और ट्राई करते हैं। चलो हाँ हाँ, मेरी बात हो गई है। हाँ मैं देख लूंगा उसे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या बताऊं, कुछ लोग मेरे पीछे लगे, अगर इन लोगों से डरेंगे तो जिएंगे। मैंने सोचा कि मैं समझ गया दोस्त, तुम किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते, और अब तुम प्रॉब्लम में हो और तुम्हें मदद की जरूरत है, यही ना? सुदेश, एक बात कहूं दोस्त, ऐसी हालत में मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। यह सब तकदीर का खेल है। 28 उम्र तक वक्त बुरा है, और उसके बाद अच्छा समय है। तो क्या तुम भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हो? रुको 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 रुको, क्या संतोष आजकल दिखते नहीं? भाई थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। तुम तो 1,000 acre और 2,000 acre की बात करते हो, छोटे मोटे डील पर भी ध्यान दो जरा। 2-3 बीघा जमीन का डील जल्दी हो जाता है। तुमने उस दिन जो प्रॉपर्टी दिखाई थी उसके पेपर्स दे दो जरा, उसके लिए खरीदार आया है। मैंने कितनी प्रॉपर्टी दिखाई? एक की भी डील नहीं हुई। तुम तो सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाते हो और फिर उधर से चले जाते हो, तो बताओ डील कौन करेगा? ठीक है जाओ, मैं फोन करता हूँ। चलो चलो भाई। कौन से पेपर्स की बात चल रही थी? हाँ चलो, शायद हो सकता है तुम्हारे दिखाए हुए प्रॉपर्टी का डील ओके कर रहा था, मगर कमीशन मिलते ही तुम्हें भूल जाएगा। मैं अभी आया। May 19. क्या हुआ? 3 lakh देने को तैयार हो गया है, सिर्फ चेक काफी नहीं है, जमीन के कागजात रजिस्टर करने होंगे। वो तो तुम दे दोगे ना? दे दूंगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है? कल उसने अपने ऑफिस में बुलाया, हमें जाना है। अगर सब ओके हो गया तो परसों तक कैश मिल जाएगा। अब जाकर जान में जाना ही। अब बाकी के 2 lakh अरेंज करना है ना, वो भी कर देंगे। बोर्ड पर क्या देख रहे थे तुम? कल मेरा बर्थडे है। हाँ हाँ, प्यार करते वक्त और शादी के बाद मुझे वो बर्थडे में गिफ्ट देती थी, और मैं उसे दावत। इसका मतलब कल दावत है? शायद वो भूल भी गई होगी, और जब पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं है तो उसे दावत कहां से दूंगा मैं? उसे याद भी नहीं दिलाता मैं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। खुद की कमाई से दावत देने की बात ही कुछ और है, वो अलग ही नशा है।
लो खाओ। नहीं मुझे नहीं चाहिए। एक काम करते, प्रेस के मालिक को फिर से मिलते हैं, और 2 लाख चाहिए ना। मेरी शुरुआत वैसे एक प्रेस से हुई थी, और उस समय मेरी बहुत ही बुरी आदतें भी थी। लोग मुझे पैसा देते थे और मैं उन्हें बैज में देता था, लेकिन 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेता था। एक दिन जब मेरा दोस्त मुझे ड्रामा कंपनी को पैसे देने के लिए बोला, तब मैंने एक आदमी का पैसा उठाकर उसे दे दिया। वापस देने की नीयत तो थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस कंपनी ने एक भी नाटक नहीं किया और फिर बैच मैं भरने लगा। बस उस समय से मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। जो भी करता था नुकसान होता था। बैच भरने के लिए भी कर्ज लेने लगा। मैं कर्ज में डूब चुका था। उसके बाद से आज तक मैं कर्ज से उभर नहीं पाया। ऐसे वक्त में सब कुछ जानकर भी अनु मेरी जिंदगी में आई। उसके नौकरी के लिए भी मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे। अभी भी बहुत लोग नहीं जानते थे कि वो परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी स्कूल टीचर है। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए हैं उनके लिए मैं एक धोखेबाज हूं, और मैं तुम्हारे जैसा नसीब वाला नहीं हूं। सब मेरी गलती थी, मेरी गलती। पता है मुझे आज तक कोई साथ देने वाला नहीं मिला। मैं अकेला हूं। मैं कुंडली में कभी भी विश्वास नहीं करता था। जब मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ तब ज्योतिष का बोर्ड देखते ही मैं उसे मिलने चला जाता था। नाड़ी शास्त्र देखने के लिए मैं कोयंबटूर तक गया। देखा, अभी भी जन्म पत्री जेब में रखकर घूमता हूं। मेरा बुरा वक्त तब खत्म होगा जब मैं 34 साल का हूंगा। अब क्या करने का सोचा है? प्रेस दोबारा खोलोगे? हे, नहीं, वो प्रेस मेरा नहीं था। और अभी रियल एस्टेट के धंधे में एक भी डील नहीं हुआ है। नासिक में काम आया है, और वो काम मेरे रिलेटिव ने अरेंज किया है। एक शाम के अखबार के लिए थोड़ा पढ़ना लिखना बाकी है, और मेरा आत्मविश्वास ये कहता है कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे। कल 8:30 बजे तैयार रहना। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। चलता हूँ। कर्जदारों से ज्यादा डर तब लगता है जब तुम उसके साथ बाइक में जाते हो। स्कूल में बहुत लोग पूछने लगे हैं कि तुम क्यों उसके साथ रहते हो। उसके पीछे बहुत लोग लगे हैं। उसे मारेंगे तो तुम्हें भी मारेंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो। जब मेरा लाखों का कर्जा था तब मेरी मदद करने के लिए कोई दोस्त नहीं आया। पिछले 4 दिन से वो मेरे साथ है। अगर उसके साथ मुझे भी मार पड़ती तो ठीक है, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी फालतू बातें मत करो। काम हुआ क्या? शुक्रवार को पैसे दे पाएंगे ना? कल हमें उसी के लिए बुलाया है, लेकिन उसे जमीन के कागज देने होंगे। उसके लिए भाई भी राजी होना चाहिए ना? भाई राजी हो गया है, क्योंकि अब जितने भी कर्जदार थे वो सब घर आकर माँ और भाई से पैसा मांगने लगे हैं। माँ ने क्या कहा? माँ की हालत बुरी है, वो बहुत दुखी है। जब मैं वहां गया तो एक कर्जदार आया था। उसने कहा तुम्हारी किडनी दे दो और उसे बेचकर मैं अपना पैसा वसूल कर दूंगा। मुझे लगा माँ ने नहीं सुना। वो कर्जदार जाने के बाद मैं जब माँ के कमरे में गया तो माँ जोर जोर से रो रही थी। मैं उसे बिना देखे ही चलाया। तुमने कुछ खाया? मैं नानी के घर भी गया था। उसने मुझे बहुत देर तक अपने पास ही बिठाया। निकलते समय नानी ने मुझे 100 रुपए दिए। मैं मना कर रहा था मगर वो नहीं मानी, और यही नानी दवाई के लिए पैसे मुझसे मांगती थी। बेचारी। मेरी माँ ने भी मुझे फोन किया था,
बहुत टाटा, आज इंजेक्शन लेने का दिन था, अगर ट्रीटमेंट रुक गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। अभी भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी बुरी हालत में हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मैं चाय बनाती हूँ। हाँ सुदेश बोल। अब मैं करता हूं ना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ऐसे हालत में ये पैसा बहुत काम आएगा। मैं अभी आता हूं। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो। नहीं गाड़ी नहीं लाऊंगा, पेट्रोल ही नहीं है। अच्छा ठीक है। कहाँ जा रहे हो? मैंने चाय बनाई है। मेरे दोस्त ने बुलाया है, एक आदमी से मिलना है, बाकी के पैसे तो चाहिए। इतनी रात में जाना जरूरी है क्या? तुम सो जाओ। अरे कपड़े तो बदल लो, रात का समय है, कोई टेंशन नहीं है। तुम यही रुकना, मैं अभी आया। वो ठीक रहेगा, मैं दिखना नहीं चाहिए। हेलो, उधर क्या देख रहे हो? मैं साहब से मिलने आया हूँ, वो अंदर है ना। ठीक है, सब काम हो जाएगा। सुनो, हाँ पहले काम खत्म करो। हाँ ठीक है साहब। दोस्त तुम इसे चिपका पाओगे? पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सब मुझे तुम दे दो, मैं काम कर दूंगा। 1000 रुपया मिलेंगे, 200 रुपये एडवांस मिले, बाकी के पैसे दिला दूंगा। लेकिन जाओगे कैसे? अभी बाइक निकालने गए तो अनु को शक हो जाएगा। एक साइकिल भाड़े से लेते, मुझे कुछ काम है, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। अपने सर को तौलिया बांधो, कोई पहचान न पाए। बेटा थोड़ा सा गोंद दे दो ना, मेरा गोंद नीचे गिर गया है। मैं पिताजी से पूछता हूँ। हाँ। भैया पिताजी ने कहा गोंद नहीं है। थोड़ा सा तो लेकिन हमारे लिए भी कम पड़ रहा। सामने एक चाय की दुकान है, वहाँ पूछिए ना। काम नहीं है क्या? इधर आके चिपकाओ, उधर क्या टाइम पास कर रहे हो? भाई थोड़ा मैदा और गर्म पानी चाहिए था गोंद बनाने के लिए, मिलेगा? अंदर जाकर आदमी से ले लो। हाँ साइकिल लेके कोई जा रहा है। हाँ? अरे पकड़ो पकड़ो उसे।